पहुंच चुके हैं बातू फिरंगी बीच, और मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, लेकिन इंडिया बेस्ट है। बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं मलेशिया के सेकंड लार्जेस्ट शहर में, जिसका नाम है पिनांग। और पिनांग पहुंचने की हमें बहुत ज्यादा खुशी है, और वो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पहले से पता था, और हम शुरू से इंतजार में थे कि कब हमें मौका मिलेगा पिनांग जाने का। और पिनांग की खूबसूरत नेबरहुड, वहाँ का खूबसूरत मल्टी कल्चरल सीन, वहाँ के खाने, वहाँ के लोग, ये सारी चीजें खुद से देखने का और विटनेस करने का। तो सामान हमने रूम में रख दिया है, ज्यादा देर हमसे बैठा नहीं जाता, तो फौरन हम निकले हैं। और आज इंशाल्लाह हम ऑन फुट पूरे पिनांग को एक्सप्लोर करेंगे, और सबसे पहले हम शुरू करेंगे जोश डाउन के साथ। सो जस्ट एज यू एग्जिट आउटसाइड ऑफ द होटल, बिल्कुल सामने शुरू हो जाता है आर्ट, और सारी जो गलियां हैं इधर जोश डाउन की, दे आर कवर्ड इन आर्ट, दे आर एब्सोल्युटली गॉर्जियस। और इनफैक्ट मैप्स पे लोगों ने लोकेशंस डाली हुई हैं, आई थिंक 73 डिफरेंट आर्ट वर्क्स हैं इस पूरी जगह में। सो होपफुली हमें काफ़ी नजर आएंगे आज। लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट वॉकिंग। पिनांग के बारे में सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगती है, इसके ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बीच मॉडर्न आर्किटेक्चर भी है। यहाँ पे देयर आर स्काई स्क्रेपर्स, और उसके बीच ही जो ओल्ड सिटी थी वो भी प्रिजर्व्ड है अपनी जैसे पुरानी हालत में, वो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। एंड देन एट द सेम टाइम देयर गॉट एवरीथिंग एल्स गोइंग ऑन एज वेल। Is this Chinese noodles? Oh, yeah, Chinese noodles, vegetarian. Is it all vegetarian? Yeah. Oh, wow. So just as we were walking, we've come across a food street, और काफ़ी मुझे Chinese food street नज़र आ रही है। काफ़ी जगहों पर meat बन रहा है, ये एक हमें cart मिला है, इस पर completely vegetarian चीज़ें मिल रही हैं। चार किस्म के noodles हैं यहाँ पर, उसके साथ साथ we've got rice, egg, tofu, spring onions, सारी चीज़ें एक ही cart पर हैं। तो हमने ऑर्डर किए हैं नूडल्स, जस्ट अ स्मॉल क्वांटिटी ट्राई करने के लिए। इट्स सो नाइस कि यहाँ पे स्ट्रीट फूड बिक रहा है। आई एम प्रीटी श्योर जब शाम होती है बहुत बिजी हो जाता होगा। अच्छा, वैसे तो जोश टाउन की शुरुआत एज अ फ्री पोर्ट हुई थी, और इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया खित्ते का ये सबसे पहला टाउन था जहाँ पे ब्रिटिश सेटलमेंट आके बसी थी, आबाद हुई थी। और फिर देखते ही देखते 19 सेंचुरी में ये जगह जो है बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हुई थी, बहुत ज़्यादा फली फूली थी, और इसीलिए उस दौर में ये ब्रिटिश लोगों के लिए सबसे अहमियत पे हामिल पोर्ट समझा जाता था। आज यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज रहती हैं और एक साथ खुशी खुशी रहती हैं। तो भले वो मलेशियंस हों, भले वो चाइनीज हों, भले वो अरब्स हों, या फिर किसी भी कौम से ताल्लुक रखने वाले, या किसी भी नस्ल और रंग से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, वो यहाँ पे खुशु और खुजू, प्यार मोहब्बत और हम आहंगी के साथ रह रहे हैं और बसते हैं। ये जो रिलीजियस और कल्चरल कम्युनिटीज हैं, डिस्पाइट बीइंग सो डिफरेंट, वो एक ही स्पेस में खुशी खुशी रहते हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है इसी बात का, बिकॉज मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक टेंपल बना हुआ है और राइट हैंड साइड पे एक मस्जिद बनी हुई है, बिल्कुल साथ साथ, देयर राइट नेक्स्ट टू ईच अदर। सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये जो कम्युनिटीज़ हैं, ये अपना हेरिटेज, अपना कल्चर जो उनके बाप दादा से पास डाउन उनको हुआ है, वो ले के चल रहे हैं और ये एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं।
अच्छा, जोश टाउन की वैसे तो तारीख और हिस्ट्री जो है वो बहुत पुरानी है, लेकिन इसका सही मायनों में जो कयाम हुआ था जोश टाउन का, वो किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का एक कैप्टन था जिसका नाम था फ्रांसिस लाइट। तो उसने यहाँ पे आके सबसे पहले जो है इस पूरी नेबरहुड को एस्टेब्लिश किया था। जोश टाउन का जो यूनिक आर्किटेक्चर है और कल्चरल टाउनस्केप है वो इस जगह को एक फेमस और यूनिक जगह बना देता है, विच इज़ वाई इट इज़ लिस्टेड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ये वो टाउन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं दैट एक्चुअली डेट बैक टू द प्री वॉर टाइम्स। अच्छा, तो हम जोश टाउन के हॉकर स्ट्रीट पे आ गए हैं और यहाँ पे हमें कैसे लग रहा है मग शॉट, वी गोना गो इन देयर एंड हैव सम कॉफी। तो यहाँ पे इस कैफे के अंदर केक्स की एक मैसिव वैरायटी है, वी हैव गॉट लाइक ड्राई टी केक्स, वी हैव गॉट द वंस विद टॉपिंग ऑन टॉप, और क्रोसॉन्ट्स हैं, फ्रेश ब्रेड है, और साथ साथ बिल्कुल नेक्स्ट डोर कॉफी भी मिल रही है। आई थिंक वी आर गोना ट्राई सम कैरेट केक, और ये फजी ब्राउनी भी बहुत अच्छी लगी है। तो अब हम आर्मेनियन स्ट्रीट पे आ गए हैं और यहाँ पे एकदम से हमें तकरीबन 10-15 रिक्शे नजर आए हैं। ये यहाँ के ट्रेडिशनल रिक्शे होते हैं और इसी स्ट्रीट पे, इट्स अ वेरी फेमस स्ट्रीट, बहुत सारा स्ट्रीट आर्ट भी बना हुआ है। सो एज वेल एज शॉप हाउसेज, टेम्पल्स, चर्चेज, मॉस्क और जो मॉडर्न दुकानें हैं उसके साथ साथ यहाँ पे वॉल्स पे अलग अलग आर्ट वर्क हुए हैं और अलग अलग आर्टिस्ट दुनिया के आके यहाँ पे आर्ट वर्क कर चुके हैं। सो वी गोना गो सी द मोस्ट फेमस आर्ट वर्क। तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं आर्मेनियन जो स्ट्रीट है वहाँ पे, और यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी स्ट्रीट बनाई हुई है जहाँ पे ऊपर जो है सर के ऊपर हमारे अम्ब्रेलाज हैं और बहुत अच्छी तरीके से इसको प्यारे तरीके से सजाया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है। और यहाँ पे बड़े फंकी से मुझे ग्लासेस नजर आए तो मैंने जल्दी से पहन लिए। पता नहीं कैसे लग रहे हैं, ये तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे, मुझे पता है बहुत अच्छे लग रहे होंगे। मैं कुछ भी पहन लूँ अच्छा ही लगता है, लेकिन स्ट्रीट आर्ट यहाँ पे देखते देखते और ढूंढते ढूंढते हमें यहाँ पे बड़े खूबसूरत से स्टॉल्स नजर आए, तो हमने सोचा कि रुक के यहाँ से कुछ देखा जाए। वैसे तो दुनिया के बहुत सारे आर्टिस्ट्स यहाँ आके अपना काम दिखा चुके हैं, लेकिन वन ऑफ द मेन आर्टिस्ट्स जिसके काफ़ी आर्ट मिरर्स हैं और जो कि लोकल काउंसिल ने जिसको हायर किया था ये आर्ट वर्क करने का, उसका नाम है अर्नस्ट ज़ैकरविक, और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्ट वर्क है मेरे पीछे, बाइसिकल वाला आर्ट वर्क जो कि उस आर्टिस्ट ने बनाया था। अगर यहाँ लोग आए आर्मेनियन स्ट्रीट पर, वो मेक श्योर करके वो इस आर्ट वर्क के साथ तस्वीर लें, एंड इट्स अ वेरी यूनिक वन, बिकॉज पेंटिंग है दो बच्चों की एंड देयर ऑन अ बाइक, लेकिन जो बाइसिकल है वो एक्चुअल एक रियल बाइसिकल है। सो देयर इज अ लाइन हियर फॉर दिस आर्ट वर्क। सो इफ यू वॉन्ट, आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं सिर्फ इन आर्ट म्यूरल्स को ढूंढते ढूंढते। देयर इज अ सेपरेट मैप ऑन गूगल मैप्स जस्ट टू गेट एन आइडिया। ये जो मैप पे पिंस बनी हुई हैं, ये अलग अलग आर्ट वर्क हैं दैट यू कैन एक्चुअली गो एंड हैव अ लुक एट। वी गोना गो एंड गेट अ फोटो। यहाँ तकरीबन 5 मिनट की लाइन थी हमारे से पहले। तो हम लोग जोश टाउन के सिटी सेंटर से तकरीबन 15 से 20 मिनट की वॉक करके पहुंच चुके हैं क्लैन जेटीज ऑफ पिनांग। और इस जगह की जो हिस्ट्री है, जो तारीख है, वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। ख़ास तौर पे मेरे लिए वो इसलिए
क्योंकि ये पूरी जगह जो है ये बेसिकली एक जेटी है, यहाँ पे इस तरह के दीगर बहुत सारे जेटीज़ बने हुए हैं और बहुत साल पहले तकरीबन 19th सेंचुरी में यहाँ पे जो चाइनीज़ इमिग्रेंट्स थे वो आके यहाँ पे रहा करते थे, उन्होंने यहाँ पे अपने घर बनाए थे और घर ऐसे बनाए थे कि ये एक जेटी जो है बहुत लंबा सा जेटी होता था, एक ख़ानदान में जितने भी अफराद होते थे उनके मुख्तलिफ लकड़ियों के घर बने होते थे और वो लकड़ियों के घर जो हैं वो एक जेटी के ऊपर उन्होंने एक साथ बनाए होते थे। अभी इस वक्त जिस जेटी पर हम लोग खड़े हुए हैं इसका नाम है चू जेटी और चू जेटी जो है वो सबसे ज़्यादा मकबूलियत पर हामिल है और इसकी वजह यह है कि ये सबसे अच्छी कंडीशन में मौजूद है यहाँ पे। जाहिर है बहुत अरसा पहले जो है ये जेटीज़ यहाँ पे तामीर किए गए थे तो वक्त के साथ साथ समंदरी तूफ़ान, हवा, बारिश और ये सारी चीज़ों के साथ साथ जो है काफ़ी नुकसान पहुँचा था जेटीज़ को, तो सारे जेटीज़ तो यहाँ पे मौजूद नहीं है और उस हालत में नहीं है, अगर कुछ बाकी बचे भी हैं लेकिन ये जेटी जो है ये अभी तक उसी हालत में मौजूद है। अच्छा यहाँ पे एक और बात बताना बहुत ज़रूरी और अहम समझता हूँ मैं, वो ये कि यहाँ पे जो उस दौर में इमिग्रेंट्स ने जो चाइनीज़ इमिग्रेंट्स थे उन्होंने जो घर बनाए थे, अब जाहिर है वो तो नहीं होंगे लेकिन उनके जो बच्चे थे, बच्चों के बच्चे जो थे, उन्होंने यहाँ पे अपनी रूट्स को एक तरह से कायम और दायम रखा है और यहाँ पे उन्होंने उन्हीं घरों को, उन्हीं बिल्डिंग्स को, इमारतों को जो है रेनोवेट किया है और रेनोवेट करके वो यहाँ पे आज भी मुकीम है, यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा 19th सेंचुरी में जब चाइनीज़ इमिग्रेंट्स यहाँ आके सेटल हो रहे थे, यहाँ पेनांग में एक इकोनॉमिक बूम था। उस वक्त ये पोर्ट ब्रिटिश लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये एक मेन हब होता था फॉर टिन ट्रेड एज वेल एज स्पाइस एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अच्छा उस वक्त मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, अकाउंटेंट्स और लेबरर्स ये सारे लोग बहुत अट्रैक्टेड थे टूवर्ड्स पेनांग और इसीलिए ये एरिया इतना मल्टीकल्चरल है, तो चाइनीज़ के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस भी माइग्रेट करके आए थे as well as the Eurasians and many other people from other countries. तो जब हम यहाँ पे पहुँचे चू जेटी में, इट वॉज़ रियली फैसिनेटिंग टू सी कि दुकानें हैं ऑन द जेटी और कैफेज सेटअप किए हुए हैं लोकल्स ने, एंड इट इज़ सच अ नाइस वे टू सपोर्ट द लोकल्स जो कि इसी जेटी में अभी तक रहते हैं, बेसिकली ग्रैंड चिल्ड्रन है फ्रॉम बैक इन द डेज, और ये जो एंसेस्ट्रल होम्स हैं देर डेकोरेटेड वेरी नाइसली, उनके पास ये बहुत ही अच्छा व्यू है। और फिर जब हम चल के बाहर आते हैं, जस्ट बिहाइंड मी देर इज़ अ टेम्पल एज वेल, तो यहाँ के लोकल्स यहाँ आके पूजा करते थे, इट्स अ चाइनीज टेम्पल, एज वेल एज जो भी विजिट करने आता था दे वुड डेफिनेटली गो अहेड एंड विजिट दिस टेम्पल बिहाइंड मी। अच्छा तो क्लैन ऑफ जेटीज पेनांग हमने एक्सप्लोर कर लिया अच्छी तरह से, बहुत अच्छा लगा इतनी फैसिनेटिंग और इतनी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री जान के इस पूरी जगह के बारे में। अब जो है हम यहाँ के सबसे फेमस बीच की तरफ रुख कर रहे हैं जिसका नाम है बातू फरंगी और ग्रैब हमने बुलाई हुई है, ग्रैब मेरे ख्याल से किसी भी वक्त आने वाली आ गई है, ग्रैब में सवार होंगे और यहाँ से तकरीबन हमें आधा घंटा लगेगा बातू फरंगी तक पहुँचने। हम पहुंच चुके हैं बातू फरंगी बीच और मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था बिकॉज जब हम जोश टाउन पहुँचे थे आई वॉज़ लाइक चितानी कि जोश टाउन से नहीं निकलना, जोश टाउन इज़ अ जेम ऑफ अ प्लेस, लेकिन आई एम ग्लैड दैट वी टुक दिस प्लान। और हम तकरीबन 40 मिनट की राइड लेके यहाँ पहुँच गए हैं बातू फरंगी बीच। द सैंड ओवर हियर इज़ वाइट और जो पानी है इट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग और उसके साथ साथ जो साइड पे माउंटेंस और आइलैंड का एक व्यू है वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कैफ़ेज़ बने हुए हैं अलॉन्ग द वाटर। यहाँ मेरे सामने है बोरा बोरा कैफ़े, ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैफ़ेज़ है, अभी हम यहाँ जाएंगे। पर एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसके यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ बहुत है, सो बनाना बोट्स है, देयर इज अदर नॉर्मल स्पीड बोट्स, पैडल बोट्स है, उसके साथ साथ जेट स्कीज़ हैं लाइक द वन बिहाइंड मी, और यहाँ पे पैरा सेलिंग भी हो रही है। सो इफ़ यू वांट टू डू एनी ऑफ दोज एक्टिविटीज़, अलग अलग वेंडर्स बैठे हुए हैं बिल्कुल पानी के सामने, यू कैन जस्ट गो टू एनी। तो हम बोरा बोरा कैफे आ गए हैं एंड वी आर गोना ऑर्डर अ ड्रिंक, एंजॉय द व्यू एंड रियली रिलैक्स।
अच्छा, तो जोर्ज टाउन में मौजूद खूबसूरत किस्म का स्ट्रीट आर्टवर्क और म्यूरल्स और ये सारी चीज़ें देखने के बाद और एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग पहुंच गए यहाँ की जो सबसे सेंट्रल और सबसे पुरानी मस्जिद है, जो कि 19वीं सेंचुरी में तामीर की गई थी, जिसका नाम है कैप्टन केलिंग मॉस्क। तो ये बिल्कुल मेन सेंटर में जोर्ज टाउन के वाक़े है और यहाँ पर तकरीबन मगरिब का वक्त भी हो रहा है, तो हम लोग यहाँ जाएँगे और मगरिब की नमाज़ अदा करेंगे। कैप्टन केलिंग मॉस्क बिल्कुल ही हार्ट ऑफ जॉर्ज टाउन में सिचुएटेड है और ऐसा लग रहा है कि सारे लोग अपनी दुकानें बंद करके फ़ौरन बस नमाज़ पढ़ने आए हैं। एक खामोशी सी है सड़कों पे और अंदर बहुत एक हार्ट वार्मिंग सी फीलिंग है, बिकॉज मुसलमानों के अलावा और भी जो लोग जॉर्ज टाउन को देखने आए हैं, मुझे अंदर वो भी नज़र आए थे एक्सप्लोर करते हुए। और ये मॉस्क एक्चुअली 19th सेंचुरी मॉस्क है। मस्जिद जो है वो वाइट वॉश्ड है और गुंबद बिल्कुल मिडिल में उसके है। उसके अलावा यहाँ मेरे राइट पे बहुत प्यारा सा मीनार बना हुआ है और इसके गार्डन पे तोपे रखी हुई हैं। That is like a representation of all the history that Penang and Georgetown has been through. अब हम जा रहे हैं लिटिल इंडिया की तरफ। अच्छा, लिटिल इंडिया बेसिकली एक नेबरहुड है जॉर्ज टाउन के अंदर ही, जो पुराने जमाने में लोग जो माइग्रेट किए थे फ्रॉम इंडिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, वो सारे इस एरिया में सिचुएटेड है। एंड देयर आर टेलर्स, खाने पीने की दुकानें हैं, इनफैक्ट फुल ब्लोन चाय की दुकानें भी हैं। स्पेशल ओकेजन वाइन फॉर स्पेशल ओकेजन फॉर प्रेयर्स, द गैलिन ऑफर्स टू प्रेयर्स। ओके ओके, यू इफ समवन इज वेडिंग देन यू पुट इट ऑन द नेक। वेडिंग वाइन समथिंग लाइक दैट बट इट इज बी मोर ग्रैंड। ओके, वी मेक मोर नाइसर, very expensive nation. Sometimes we just bring flower and we put some decoration. How old is your shop? This one, I think more than 20 years. 20. Are you from India? No, I'm from Malay. Malay, okay. But this is little India, right? Yeah, little. Okay. अच्छा, तो ये वो यूनिक कल्चर है और डाइवर्सिटी है जिसके बारे में हम वीडियो के शुरू में बात कर रहे थे। तो हम लिटिल इंडिया में हैं और यहाँ पे खाने पीने की दुकानों के अलावा और फूलों की दुकानों के अलावा यहाँ पे कपड़ों की दुकानें हैं, और यहाँ जो कपड़े मिल रहे हैं दे इवन स्मेल लाइक इंडिया, लाइक इट्स अमेजिंग। यहाँ पे इतनी वैरायटी है और इंडिया में जो सारे रीजन्स हैं, आई थिंक अलग अलग रीजन्स के कपड़े हैं, एंड इट फील सो नाइस। आई मीन, अगर हमें यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा है, इमेजिन इफ वन डे वी कम टू इंडिया, क्या होगा। और मेरा तो दिल कर रहा है मैं कोई इंडियन ड्रेस लूँ। यहाँ लिटिल इंडिया वाकई में पहुँचने के बाद हमें ऐसा एहसास हो रहा है गोया हम इंडिया में मौजूद हो, इंडियन फीलिंग आ रही है। और इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो दुकानें हैं, जो ओनर्स हैं, 95% लोग जो हैं उनका ताल्लुक इंडिया से है, और यहाँ हमें इतना अच्छा लग रहा है। तो हम यही अभी बात कर रहे थे मैं और इम्तिज़ार कि जब इंशाल्लाह हम लोग इंडिया जाएंगे तो वहाँ पे हमें कैसा महसूस होगा। तो बड़ी एक अच्छी लाइवली सी फीलिंग है, लाइवली एटमोसफेयर है, गाने चल रहे हैं, लोग अपने कारोबार में बिज़ी हैं, कुछ लोग बैठ के आराम से अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ खाने वाने खा रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ये लग रहा है ये पानी पूरी का स्टॉल भी है। अब जाहिर है लिटिल इंडिया में मौजूद है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लोग पानी पूरी ट्राई किए बगैर यहाँ से जाएं। तो ये ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी है। ट्राई के लिए आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। राजू, और आपका? दुर्गा। आप कितने अच्छे से यहाँ पे बनाए? तो मैम एक मंथ हुआ है। इंडिया से आई है? नहीं, मेरे को इंडिया से 1.5 साल हो गया। अच्छा, हाँ, पहले केल का थे। अच्छा, यहाँ पे अभी आए। तो कैसा लगा आपको ये? अच्छा लगा।
लेकिन इंडिया बेस्ट है। हम पहली दफा आए हैं। वो अपना मुल्क तो अपना ही होता है ना, जाहिर है वो। अपना मुल्क तो अपना ही होता है। यहाँ पराया मुल्क है, लेकिन क्या करेंगे? वो कहते हैं हमारे मुल्क में जो लोग पराए मुल्क जाते हैं, भले वहाँ पे सेटल हो जाए, वहाँ पे घर बार बना लें, अच्छी जॉब भी मिल जाए, लेकिन अपना घर जो है वो कभी भी कोई दिल से नहीं निकाल सकता, वो भूल नहीं सकते आप। ऐसा तो है। अच्छा, एक प्लेट जिसमें 8 पानी पूरी है वो 10 रिंगिट की है। 10 रिंगिट चॉकलेट वाली है 14 रिंगिट की है। तो आप हाफ हाफ भी कर सकते हैं। अच्छा ओके, चॉकलेट वाली हाफ कर दें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो यहाँ पे हमें बड़ा खूबसूरत सा एक पानी पूरी का स्टॉल नज़र आया है, और यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो इंडिया से उनका ताल्लुक है, एक जो है दुर्गा है, दूसरी जो है वो राजू है, और पंजाब से उनका ताल्लुक है। तो उनसे हम यही कह रहे थे बड़े मज़ेदार किस्म के जिन्होंने हमारे लिए यहाँ पे गोलगप्पे तैयार किए हैं, तो मैं वैसे ही दीवाना हूँ उनका गोलगप्पों का। वाह, ये मैंने तैयार किए हैं। इसमें वाकई में लग रहा है कि किसी इंडियन ने बनाया और वो प्यार छलक रहा है इसमें। हमारे लिए स्पेशल प्यार डाला है इसमें। अच्छा, तो मज़ेदार किस्म की पानी पूरी ट्राई करने के बाद और बहुत मज़ा आया, मतलब बिल्कुल वाकई में ऐसा माहौल है यहाँ पे, लग रहा है कि हम लोग इंडिया में इंडिया की गलियों में घूम रहे हैं। और दो गलियाँ छोड़ के पानी पूरी ट्राई करने के बाद हम लोग अब आ गए हैं यहाँ की बहुत ही मशहूर, हमें किसी इंडियन ने रेकमेंड किया था कि अगर आप लोग जोश टाउन आके भाई बिरयानी बगैर ट्राई किए यहाँ से जा रहे हैं तो आप लोग बहुत अपना नुकसान कर रहे हैं। और यहाँ पे हैदराबाद की जो प्रॉपर दम बिरयानी होती है, लैम शेंक और चिकन दम बिरयानी, तो वो यहाँ पे बनाई जाती है और बहुत ज़्यादा हाईली रेटेड है। तो अंदर चलते हैं और बिरयानी नोश फरमाते हैं, बिरयानी खाते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे गर्मा गर्म बिरयानी जो है वो आ गई है। मज़ेदार बात यह है कि ये वैसे भाई बिरयानी जो है ये मलेशियन चेन है और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ शहरों में है, मलेशिया के कुआलालंपुर में भी है, पिनांग में भी है, इसके अलावा एक दो और शहरों में भी है, लेकिन जो इनके कुक हैं वो हैदराबाद बैठन से हैं, और इसीलिए ये दावा करते हैं कि हमारी जो है बिरयानी वो सबसे बेहतरीन है, और जो प्योर ऑथेंटिक हैदराबादी बैठन जायका आता है बिरयानियों में वो हमारी सिर्फ बिरयानी में मिलेगी। अच्छा, तो मैं भाई से ये पूछ रहा था कि आपकी कौन सी यहाँ पे ऐसी स्पेशलिटी है जो हमें ट्राई करनी चाहिए, और मलेशिया में बैठे हमें ऐसा एहसास हो कि हम इंडिया की बिरयानी खा रहे हैं इंडिया में बैठे, तो उन्होंने हमें रेकमेंड किया था कि लैम बिरयानी जो है, लैम शेंक बिरयानी, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये उबले हुए अंडे के साथ आई है, ये उबला हुआ अंडा है, इसके अलावा अच्छा ऊपर जो है यहाँ पे इसमें मसाला भी है, और मुझे लग रहा है कि मसाले के अंदर जो है वो मूंगफली का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन मसाला जो है वो स्पाइसी होता है, बकौल भाई के जिन्होंने हमें रेकमेंड किया था। और इसमें यहाँ पे ये ड्राइड रेड चिलीज़ भी हैं, तो मैं बगैर इसको इंतजार करवाए जल्दी से पर मैंने उनसे यही कहा था कि हमारा ताल्लुक कराची से, और कराची में मसाला बहुत तेज़ खाया जाता है, डबल ट्रिपल मसाला हम लोग करवाते हैं बिरयानी में, तो यही कह रहे थे कि आप बेफिक्र हो जाएं, आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि आप इंडियन बिरयानी खा रहे हैं, लेकिन मसाला जो होगा वो कराची वाला होगा। अंडा भी ले लेते हैं साथ ही, ताकि फुल इंडियन एक्सपीरियंस हो रहा है आज। थोड़ा सा मसाला देते हैं, बिल्कुल गला हुआ है, तो ये मैंने चमचा ऐसे फेरा और ये बोटी बिल्कुल अलग हो गई है, बिल्कुल जैसे नरम और गला हुआ गोश्त होना चाहिए बिरयानी के लिए, बिल्कुल वही है। और ये लैम शेंक है, तो शेंक वाला मछली वाला गोश्त है, तो ये वैसे ही बहुत नरम होता है। अच्छा, बिरयानी का जायका बहुत अच्छा है, काफ़ी मुख्तलिफ है, हमारी जो बिरयानी पाकिस्तान में खाई जाती है उससे काफ़ी मुख्तलिफ है, लेकिन लहर इंडियन ने पकाई है और उनका ताल्लुक हैदराबाद बैठन से, तो मसालों का जो जायका है, जो बिरयानी का जायका है वो अलग है, लेकिन बहुत मज़ेदार है। ख़ासतौर पर मुझे जो लाल मिर्चें हैं, ये जो ड्राइड रेड चिली का इन्होंने इस्तेमाल किया है, कमाल है। अगर हम ये खाए बगैर यहाँ से चले जाते तो मुझे बहुत अफसोस होगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी अर्से से वैसे भी निकले हैं साउथ ईस्ट एशिया टूर पे, और इस तरह की बिरयानी अब तक हमने इस पूरे टूर पे कहीं नहीं खाई है। तो मैं बिरयानी इन्जॉय करता हूँ, इसके बाद साथ ही चाय की दुकान बनी है वहाँ चलते हैं, और देसी चाय भी पीते हैं, ज़ाहिर है मतलब हज़म करने के लिए बिरयानी को चाय तो ज़रूरी है।
था बिफोर वी हैव चाय. तो ये जो मेरी गली है इसका नाम है लव लेन और ये बैकपैकर्स के अमंग्स बहुत पॉपुलर गली है. एक दो यहाँ पे अकोमोडेशन है तो ऊपर होटल्स बने हुए हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं. उसके साथ साथ रात को ये गली ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये एक पार्टी हब बन जाती है. देयर आर वेरियस रेस्टोरेंट्स एंड देयर आर बार्स और यहाँ पर बहुत एक लाइवली फीलिंग है, पार्टी वाला माहौल चल रहा है यहाँ पे. सो इट्स रियली नाइस टू गो थ्रू हियर. अच्छा, लव लेन से हम चाय की शॉप पे जा रहे हैं और बीच में ये एक स्ट्रीट है, हॉकर स्ट्रीट, और ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीट है फॉर स्ट्रीट फूड्स. और दिन में भी चलता है यहाँ पे स्ट्रीट फूड, लेकिन शाम के बाद यहाँ पे रौनक स्टार्ट होती है. और मेरे राइट और लेफ्ट पे ट्रेडिशनल खाना मिल रहा है. देयर इज चाइनीज़ फूड, मलेशियन फूड दैट आई कैन सी, हर किस्म का खाना यहाँ पे मिल रहा है. और ये जो कार्ट से धुआं निकल रहा है, इट इज़ सच अ नाइस लुक. अच्छा, तो ज़ोरदार बिरयानी खाने के बाद और उसके बाद चहलकदमी की हमने थोड़ा सा यहाँ पे जो यहाँ की पुरानी स्ट्रीट्स हैं, लव लेन है और उसके अलावा हॉकर स्ट्रीट है बिजी, वहाँ से होते हुए हम लोग पहुँच गए यहाँ की बड़ी मशहूर चाय की दुकान है, इसका नाम है टी कदाई. तो टी कदाई पे जो है बड़ी वैरायटी है चाय की. यहाँ पे सिनेमन चाय है, यहाँ पे इलायची चाय है, बादाम चाय है, लेकिन हमने जो है वो यहाँ की फेमस रेगुलर जो दूध पत्ती होती है वो ली है. और ये ज़रूरी है क्योंकि जो हमने खाना खाया है माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का तगड़ा, तो उसको हज़म करने के लिए, उसको वॉश डाउन करने के लिए गर्मा गर्म चाय जो है वो बनती है. बहुत अच्छी चाय. इस चाय के इतने चर्चे हैं यहाँ पे पूरे टाउन में कि जो भी पिनांग आता है तो जितने भी यहाँ पे लोकल्स हैं साउथ इंडियंस बिलखसूस, वो सब रेकमेंड करते हैं कि यहाँ पे जाके टी कदाई की चाय जो है वो ज़रूर ट्राई करें. ये है भी ओन भी साउथ इंडियन ही करते हैं, तो इसलिए चाय जो है वो बिल्कुल इंडियन पाकिस्तानी जायके के मुताबिक है. तो इसी गर्मा गर्म और बेहतरीन कड़क नोट के ऊपर आज की वीडियो को हम लोग एंड कर रहे हैं. उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई. हमने पूरी कोशिश की कि पिनांग को एक वीडियो में अगर पूरा कल्चर पिनांग का, इसकी हिस्ट्री, इसके कलर्स, इसका खाना और यहाँ पे जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, यहाँ पे जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन सबको एक वीडियो में दिखाने की कोशिश करें. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ पर कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि हमें मलेशिया में और कौन सी जगहें विज़िट करनी चाहिए, और उसके साथ साथ शेयर करें हमारी वीडियोस को. अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.